नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संचार के बारे में। समाचार पत्र पत्रिकाएँ देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत उर्दू भाषा से हुई थी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत किस भाषा से हुई? उर्दू भाषा से। पहली हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? ये 1915 में इंदौर से निकाली गई थी। पहली हिंदी मासिक पत्रिका 1915 में इंदौर से निकाली गई थी। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर था, जो 1840 में ग्वालियर से शुरू हुआ था और उर्दू में प्रकाशित था। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था अखबार ग्वालियर, जो 1840 में निकाला, ग्वालियर से शुरू हुआ था, उर्दू भाषा में था। सन 1844 में मालवा अखबार, इसके संपादक थे पंडित प्रेमनाथ, ये इंदौर हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक था ये पत्र। आगे बात करते हैं, राज्य का पहला विशुद्ध उर्दू भाषा का समाचार पत्र दिल्ली अखबार था, जो इंदौर से निकाला गया था 1852 में। हिंदी का प्रथम दैनिक नवजीवन था 1939 में, ये इंदौर से निकाला गया था। तो यह याद रखिए, क्या क्या याद रखना आप लोग को, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत उर्दू भाषा से हुई, पहली हिंदी मासिक पत्रिका 1915 में इंदौर से निकाली गई, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर था 1840 में, ग्वालियर से शुरू हुआ, ये उर्दू भाषा में था। वो आपको याद रखना है 1844 में मालवा अखबार, इसके संपादक पंडित प्रेमनाथ थे, इंदौर से निकाला गया था, हिंदू उर्दू का पहला साप्ताहिक पत्रिका था। राज्य का पहला विशुद्ध उर्दू भाषा का समाचार पत्र दिल्ली था, दिल्ली अखबार, इंदौर से निकाला गया था 1852। और हिंदी का प्रथम दैनिक नवजीवन 1939 में इंदौर से। ठीक है, अब आगे क्या बात करते हैं, वर्तमान में प्रकाशित अन्य स्थलों के प्रमुख पत्र। तो उज्जैन की बात करते हैं सबसे पहले। उज्जैन में प्रजादूत, दैनिक भास्कर, विक्रम दर्शन, अवंतिका, व्यापारिक रिपोर्ट अलग है, ब्रिगेडियर, अग्निवाण, जलती मसाल आदि है। सतना की बात करें तो सतना समाचार, नेशनल टुडे न्यूज, देशबंधु, स्वदेश और भास्कर। कटनी की बात करें तो भारती, कटनी से भारती, दैनिक मध्य प्रदेश, केसरी, महाकौशल और जनमेजय है। दमोह की बात करें तो दमोह से कर्तव्य निकलता है। छतरपुर की बात करें, कृष्ण क्रांति, जनहित दर्शन। टीकमगढ़ की बात करें तो ओरछा टाइम्स। मंदसौर की बात करें तो ध्वज, कीर्तिमान, दसपुर दर्शन, क्षेत्रीय समाचार। बड़वानी की बात करें तो निवाड़ एक्सप्रेस। मुरैना की बात करें, युग पीड़िता, दैनिक मध्यराज, चंबल वाणी। बालाघाट की बात करें तो विश्व सूर, बालाघाट टाइम्स। आगे बात करें तो शहडोल की बात करें, शहडोल टाइम्स, समय, दैनिक मध्य प्रदेश। दतिया की बात करें तो आजाम, दतिया टाइम्स यहाँ से। नीमच की बात करें, नई विद्या, अमृत मंथन। रतलाम की बात करें, चेतना, बुरहानपुर से वीर संतरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों की बात करते हैं हम लोग। आकाशवाणी रेडियो इंदौर से 1955 में, कहाँ से? इंदौर से 1955 में पहला प्रसारण हुआ, दूसरा भोपाल, तीसरा ग्वालियर में। तो याद रखिए, इंदौर से 1955 में पहला, दूसरा भोपाल से और तीसरा प्रसारण ग्वालियर से हुआ। वर्तमान में लगभग 19 आकाशवाणी केंद्र हैं। रेडियो मिर्ची, इस व्यवसायिक एफएम सेवा का प्रसारण 98.4 डिग्री से इंदौर में वर्ष 2006 से शुरू हुआ है।
भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ है। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो व 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। आगे बात करते हैं मुख्य आकाशवाणी केंद्र और स्थापना वर्ष उनकी। तो इंदौर में 22 मई 1955 में, भोपाल में 31 अक्टूबर 1956, ग्वालियर में 15 अगस्त 1964, जबलपुर में 6 अगस्त 1964, छतरपुर में 7 अगस्त 1976, रीवा में 2 अक्टूबर 1977, सागर में 1995 में। अब दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन तो सन 1975 में, कब 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र अब छत्तीसगढ़ में से दी जाने लगी। तो अब छत्तीसगढ़ में रायपुर पहुंच गया है, पहले एमपी में का भाग था। 1982 में एसीआर के समय इंदौर व भोपाल में प्रसारण केंद्र स्थापित हुए। भोपाल इंदौर ग्वालियर कार्यक्रम निर्माण केंद्र भारत में प्रायोगिक तौर पर 1959 से प्रारंभ हुए दिल्ली से। 15 अगस्त 1982 में रंगीन प्रसारण शुरू हुए। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर में हैं कुल लगभग 10। फिर बात करते हैं डाक टिकट तार की। तो मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल भोपाल का गठन किया था। तो याद रखिए कब, 1 अप्रैल 1962 को। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत 1837 में हुई। 1852 में पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूर संचार के बारे में। टेलीफोन राज्य में दूर संचार सेवाओं की शुरुआत सितंबर 1974 में हुई। प्रदेश में 2560 टेलीफोन केंद्र, 40,18,000 से ज़्यादा लगभग टेलीफोन कनेक्शन है। तो आपको याद रखना है इसमें सिर्फ इतना, राज्य में दूर संचार सेवाओं की शुरुआत सितंबर 1974 में हुई। ठीक है, डाक तार के बारे में याद रखना है, एक मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 1962 को डाक तार मंडल भोपाल का गठन किया था और भारतीय डाक सेवा की शुरुआत 1927 में हुई थी और 1852 में पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ था। ठीक है, बस। तो ये थी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संचार व्यवस्था। ठीक है।